जिस ढंग से जो गोली लगा है नीचे सिर पे लगा है, छाती में लगा है, पुलिस को ट्रेनिंग क्यों नहीं दी गई कि गोली चलाना है तो नीचे चलाओ, कुछ नहीं। और देखिए हम आपको एक बात बताते हैं, ये जो आंदोलन जो हो रहा है ना, ये ऊपर के नेता लोग, एक नेता भी पहाड़ी मूल का बोलो या किसी मूल का बोलो, किसी पार्टी का बोलो, कांग्रेस, एमएलए, माओवादी, एक नेता नीचे पहाड़ तराई में मरे से गया ही नहीं, नहीं। देखिए कितना संवेदनशील इश्यू है, इमोशन का बात है, सेंटिमेंट का बात है, इज्जत चाहिए लोग को, लेकिन कोई गया नहीं, हम गए, हम जाग रहे हैं, हम भारदा जाग रहे हैं। देखिए हम तो सुंदरमणि है, हम तो 26 साल से सड़क में ही है, तो हमारा तो कुछ नहीं, इसीलिए हम बोल रहे हैं, ये कल का जो बोल रहे हैं कि संविधान निकालेंगे, किसी हालत में हम लोग इसको नहीं मानेंगे, ये बात पहला। और अब दूसरा बात यह है कि जो आप लोग नीचे तराई और थरुआट में जो नेता लोग हैं जो आंदोलन कर रहे हैं, ठीक है करिए, लेकिन आप लोगों को भी अपने वहां जनता को समझाना पड़ेगा कि कुछ संयम तो अपनाओ, सरकार तो मारने के ऊपर चला ही गया है, लेकिन अपना तो भाई भाई है ना, अपना तो जो मर रहा है, मधेसी भी मर रहा है, थरू भी मर रहा है, पहाड़ी भी मर रहा है, इसीलिए हम तो भाई भाई हैं, हम नेपाली हैं, और ये समझ लेना कि हम नेपाली हैं, इसीलिए दोनों तरफ कुछ तो संयम अपनाना चाहिए, लेकिन सरकार को तो मैक्सिमम अपनाना चाहिए। और ये भी बात ठीक है कि सेना को फिरता करना चाहिए, सेना को ये बात पक्का है, क्योंकि सेना निकालने के मतलब ही होता है कि सरकार फेल हो गया है। और एक बात ये है कि आज देखना, हम सेना आज पश्चिम कैलाली में निकालते हैं, कल हम नेपालगंज में, उसके बाद में वीरगंज में, और हम विराटनगर में जाएंगे, रौतहाट विराटनगर करते करते पश्चिम से पूरब तक अगर सेना को ही निकालेंगे तो राज्य किसके हाथ में हुआ? क्या हम लोग सेना का राज्य चाहते हैं? इसीलिए ये सरकार आस्ते आस्ते इसी तरफ बढ़ रहा है, उसको मालूम नहीं है, ये बिल्कुल अंधा बना है, धृतराष्ट्र बना हुआ है, इधर एक दुर्योधन बैठा हुआ है, एक दुर्योधन बैठा हुआ है, जो मधेश को इतना भी हम नहीं देंगे, वो सबको मोतिहारी भेज देंगे, वो कहता है। और दूसरी तरफ है धृतराष्ट्र बैठे हुए यहाँ पर, इसीलिए जो भी हो, हम पहाड़ी मधेसी का मुद्दा नहीं है, ये है सरकार और सरकार चलाने वाले और जनता के बीच है, आप लोग मधेसी नहीं, आप नेपाली हैं, आप थारू नहीं नेपाली हैं, उसके बाद में हम भी ब्राह्मण हैं, आप भी थारू हैं, आप भी मधेसी, याद रखना यही है बात, हम लोग सब एक नेपाली हैं, और वही चीज रखने के लिए एक कल का संविधान जो आने वाला है वो हम लोग को नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा।